अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ANH व्लॉग्स। सो गाइस बहुत बहुत वेलकम करता हूँ आपको मेरे न्यू व्लॉग में। सीन ये है कि अभी मैं जा रहा हूँ हेयर कट करवाने, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो कल या तो आज चांद देखेंगे, अगर नजर आ गया तो ईद कर देंगे, नहीं तो फिर कल ही ऐलान करेंगे चांद रात का। खैर मुझे बाल करवाने थे और थोड़ी सी खत वगैरह बनवानी थी, देख रहे हो हालत मेरी। ओए बिल्ली भागी। खैर तो चलते हैं, जरा पहले इंट्रो रोल करता हूँ उसके बाद बताता हूँ। जैसे कि तुम लोगों ने पुराना व्लॉग देखा होगा, पता होगा कि मेरे पेपर से इतनी बारिश की वजह से मैंने रमजान व्लॉग सीरीज नहीं बनाई। खैर मैं भी बाल कटवाने जाता हूँ, तो बाल कटवा के आता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ क्या सीन है। पहले ATM जाके कैश निकालना है, फिर बाल कटवाने हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। पीस आउट भाई। फाइनली हमें ऐसा सैलून मिल गया जहाँ पे रश कम है, रश है लेकिन बल्कि है नहीं समझे। पिछले आधे घंटे से मैं ATM ढूंढ रहा था क्योंकि ATM में इतना रश, उसके बाद आधे घंटे से मैं सैलून ढूंढ रहा था जहाँ पे रश कम हो, तो ये मिल गया फाइनली, ये रहा। तो चलते हैं ज़रा हेयर कट देखते हैं, उसके बाद बताता हूँ आपको क्या सीन है। मैंने एक चैलेंज सोचा था लिविंग मतलब 500 के ऊपर पूरा 24 घंटे गुजारने, लेकिन 24 घंटे के 12 घंटे गुजारना मुश्किल हो जाएगा। अभी मैं आपको घर जाके बताऊंगा कटिंग हुई कितने की, बल्कि ये लिखा हुआ 700 की हुई है कटिंग। भाई सिर्फ कटिंग के 700 चल रहे हैं क्योंकि पीक टाइम है। सिर्फ पाकिस्तान में ये होता है भाई कि जब कोई टाइम आता है ना ऐसा तो रेट बढ़ जाते हैं, और कोई बाहर कंट्री में जाए जब कोई ऐसा टाइम आता है, कोई त्यौहार आता है तो रेट गिर जाते हैं। दिस इज पाकिस्तान भाई। ये सैलून है देख लो, हैंडसम सुपर कट। तो ये घर चलते हैं, नहाते हैं, इफ्तार का टाइम भी होने वाला है। तो भाई कटवा लिए हैं बाल, तो देख लो भाई सही है। अब बनाए नहीं ना, अभी बना के आऊँगा तो फिर पता चलेगा कैसे हैं थोड़े बहुत, सही है। बाकी भाई इस चेहरे पे मैंने 700 रुपये खर्च किए हैं, थोड़ा लाइक शाइक करो। सही है यार, लास्ट टाइम जब मैंने कटवाया काफ़ी टाइम, मतलब मैं लास्ट टाइम जब मैंने कटवाया तो मैंने 400 के दोनों चीज़ें, अब 700 हो गए। ये हो सकता है ईद की वजह से उन्होंने बढ़ा दी हूँ। खैर हमें क्या, हमें तो कटवाने पड़ेंगे, अगर नहीं कटवाएंगे तो फिर और बढ़ जाएंगे, अजीब से हो जाते। तो अभी बाल बनाते फिर अफ्तारी का वेटिंग, देखते हैं कहाँ जाना है अफ्तारी करने, और बताता हूँ आपको थोड़ी सी देर में। पीस आउट। अफ्तार का वक्त हो चुका और आज की अफ्तार होगी घर पर, तो चलते हैं अफ्तार की तरफ। अफ्तारी हमने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नती है,
शादी करते हैं ना, जान में जान आ जाती है, एनर्जेटिक फील करता हूँ, उसी के 2 मिनट बाद नींद आ जाती है। भाई मुझे नहीं समझ आता क्या होता है मेरे साथ। खैर भाई तुम लोग को तो पता पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है, वो है वो बात तो डिटेल में करेंगे। अभी तो भाई मैं अपने कुर्ते नहीं जा रहा हूँ, धोबी को मैंने धुलने के लिए दिए थे साथ में स्त्री होने के लिए, जिन टेलर भाई साहब को सीने के लिए दिए तो मैंने चौक लगा दिए पूरी, तो वो लेकर आता हूँ। मैंने कहा यार अभी ले आता हूँ, ये ना हो कि रात में 12 बजे ऐलान कर दे कि आज होगी। इन टाइम पर देखो कपड़े गिर रहे थे, बाइक पर रख के लेकर आया ना। खैर मिल तो भाई मेरे ईद के कपड़े चलते हैं, और प्रेस तो ये हुए हैं, इनको बस लटका देंगे सूली पे। ए भाई 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 क्या भाई भाई क्या बता कर जस्ट किडिंग। अभी खोलो नहीं हो सकता है, कार्ड ना चले। 60 रुपीज़ का कार्ड कैसे चलेगा, नहीं चल रहा मशीन, मशीन नहीं चल रही, तो रेटे बना के रखी हुई सारी। अचानक से कौन कौन आके खा के जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने घंटे भी 5 लोग ही रहेंगे। हुसैन उसका नाम है, हुसैन 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 देखा फौरन देखा फौरन हुसैन हुसैन थोड़ा मसरूफ था बातें करने में, चैटिंग करने में। हुसैन बोल रहा था उनका मैसेज आया है उफ्तार का, तो कह रही भूख लगी है अम्मी खाना दो।